हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के बीच बहुत ही टेस्टी और मीठा रक्षाबंधन बहुत करीब आ रहे हैं, इसलिए रेसिपी लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। थोड़ी अलग तरह के, कहीं पे पेड़े बन रहे हैं, कहीं पे लड्डू बन रहे हैं। आज हम सेसमी बॉल बनाएंगे, वियतनामी। वियतनामी में बहुत ज्यादा बनते हैं, तो वहां से हम थोड़ी सी उनका रेसिपी ले आए हैं कि आप लोगों भी बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सेसमी बॉल बनाने के लिए यहाँ पे हम 250 ग्राम चावल घर में पीस लिए हैं, ताकि हल्की दरदरी हो और बारीक एकदम ना हो। मतलब बारीक है लेकिन फिर भी बारीक ना हो। तो हम इनको सबसे पहले पानी बॉईल करने के लिए गैस ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पानी ले लेंगे, 3 कप से 4 कप लगभग पानी लेंगे, जितना चावल का आटा पीस सकते हैं। चावल का आटा में भी पानी थोड़ी पीते हैं। टोटल 3 कप लिए हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे छोटा सा अभी जमे हुए हैं घी, देसी घी, और इनको उबाल आने देते हैं। उबाल आएंगे तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इनका। यहाँ पे पानी में अच्छे से उबाल आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बस चुटकी भर बेकिंग पाउडर लिए हम, बेकिंग सोडा नहीं। आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर थोड़ा सा चला लेते हैं इनको। और यहाँ पे हम अब पानी, चावल को, आटा को हमको अच्छे से पकाना नहीं है, बस थोड़ा पानी में उबाल आ जाए इस तरह से, तो हम चावल को, आटा धीरे धीरे डालेंगे इनमें। यहाँ पे पानी में अच्छे से उबाल आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा लगातार चावल का आटा हम गिराते जाएंगे और मिलाते जाएंगे इस तरह से। सारे आटा को हम ले लिए हैं, और अभी गैस हम ऑफ नहीं करेंगे, ताकि बस 2 मिनट ही अच्छे से पक जाए। अब चला लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये अच्छे से मिल गए हैं, आप देखिए। तो अब इनको हम गैस ऑफ नहीं करेंगे, नीचे उतार देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। लेट से हम ढक देंगे, और यहाँ पे हम चढ़ाएंगे फ्राई पैन, इनका स्टफिंग बनाएंगे हम चश्मी का। यहाँ पे हम ले लेंगे घी, ये जमे हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कितना घी हमको लगेगा। तो थोड़ा ये पिघल जाए, जैसे पिघलते हैं तो हम इनमें ले लेंगे पनीर। घी अच्छे से पिघल गए, यहाँ पे हम ले लेते हैं पनीर। पनीर को भी हम घर में ही फाड़े थे, तो इनको भी हल्का फ्राई कर लेते हैं बारी बारी से। इसी तरह से सारे स्टफिंग जितना हमको लेना है सबको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे पनीर हमको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब ले लेने हैं नारियल बुरादा, इनको हम थोड़ा हल्का फ्राई कर लेते हैं भी, इनका भी अच्छे से। यहाँ पे हम 1 कटोरी भर के मलाई ले लेंगे। आप चाहे तो इनके साथ रबड़ी भी ले सकते हैं, हम नहीं लिए हैं। हम पनीर और मलाई और नारियल बुरादा का स्टफ बनाएंगे, और यहीं पे हम साथ में मीठा अनुसार 1 कटोरी चीनी, क्वांटिटी में ये 100 ग्राम होंगे। इनको हम अच्छे से एक दो बार चला लेते हैं, और यहाँ पे हम साथ में, ताकि वो भी पक जाए, तो अच्छे से ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, सॉरी किशमिश नहीं है, काजू, पिस्ता, बादाम, सारे को मुंह में ले लिए हैं। अब इनको अच्छे से हम चला लेते हैं। तो सारे स्टफिंग जितना था हम सबको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम गैस कर देते हैं ऑफ। अब हम चावल का आटा को देख लेते हैं, इनको हम देख लेते हैं। अभी भी ये आप देख सकते हैं कि कितना वार्म है एकदम, बहुत गर्म है। हम एक कलछी से इनको अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ी ठंडा हो जाएंगे तो उनका हम मिलाएंगे। ठंडा हो जाते हैं तब तक हम जो स्टफिंग है उनका हम बॉल बना लेते हैं। वो भी गर्म है, ये भी गर्म है। और ध्यान रहे, देखिए कितना बढ़िया ये स्टफ के लिए तैयार है। इनमें ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये फिर बॉल बनाने में दिक्कत होंगे। तो आप देख सकते हैं, हाथ से दिखाते हैं, बहुत गर्म है, देखिए। इनको मसल मसल लेंगे बाद में, क्योंकि बहुत गर्म है अभी। अगर घी भी लीजिएगा तो भी हाथ बहुत जलेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम छोटे छोटे बॉल सबसे पहले स्टफिंग का बना के रख लेते हैं प्लेट में इस तरह से। सारे बॉल को हम बना के रख लेंगे। यहाँ पे सारे बॉल बन गए हैं। अब हम जो चावल का डो हम अच्छे से
साले थे, मतलब गैस पे जब इनको सेके थे तो इनको भात से मिला लेते हैं, इनको कर देते हैं फ्राई, और इनको जरा सा यही हाथ से बॉल के हाथ से जो हम बॉल बनाए हैं तो देख लेते हैं जरा सा इनको हम। तो देखिए बहुत अच्छा से ये आटा तैयार है डोलक कर, देखिए इस तरह से एक साइड में मिलाते जाएंगे हम। उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, जो हम लिए हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो अरारोट भी ले सकते हैं। इनमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इनका घोल बना लेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा बारीक बारीक, एक स्टेप भी छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सेसमी बॉल कैसे बनेंगे, इनको अच्छे से गुठलियाँ मिला लीजिए और थोड़ी पतली घोल अच्छे से मिला लीजिए, देखिए। और यहाँ पे अच्छे से हम घोल को बना लिए हैं, इनको साइड करते हैं, बॉल हम बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से बॉल बनाइए और यहाँ से हथेली से होल कर दीजिए, इतना होल कीजिए कि जो आप बॉल बनाए हैं इनमें आ जाए। और ये फटते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, एक बॉल उठाइए इस तरह से आराम से दबा दीजिए, इस तरह से फटे तो कोई दिक्कत नहीं, बस दिखना नहीं चाहिए। इनको अच्छे से दोनों साइड से बंद कर दीजिए, इस तरह से दबाते हुए बंद कीजिए और इस तरह से गोल कीजिए। यहाँ पे इस तरह से देखिए कितना चिकना बॉल बना करके एक प्लेट में हम रख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम बॉल को बना लेंगे, बॉल बनकर तैयार है। अब हम कोटिंग कर लेते हैं, यहाँ से जो कॉर्नफ्लोर का हम घोल बनाए थे और सीधे सेसमी में डुबाएंगे, यानी कि तिल में, व्हाइट वाला तिल में अच्छे से इसको डुबा के एक प्लेट में कोटिंग करके रख लेंगे। हम यहाँ रख लेते हैं, इसी तरह से दूसरा वाला भी देखिए, इस तरह से अच्छे से बॉल को दबा दबा कर थोड़ी हाथ से भी दबा दें इसे इस तरह से, और इसे भी मैं दबा देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से दबानी है, सारे बॉल में हम कोटिंग कर लिए हैं, इधर घी गर्म होने के लिए हम चढ़ा दिए हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे अच्छे से घी गर्म है, अच्छे से मतलब कि लो टू हाई पे, हाई फ्लेम पे घी गर्म है। अब हम बारी बारी से बॉल को उठाएंगे और इस तरह से डाल देंगे। पूरा हाई फ्लेम पे ना फ्राई करिएगा, नहीं तो बॉल ऊपर से तो लगेंगे कि पक गए लेकिन नीचे कच्चा रह जाएंगे। इनको मध्यम आंच पर आराम से पकने दें, इतना ही डालें जितना में हम इनको पलट सकें। तो बस टोटल हम 7 बॉल डाले हैं, फिर हम पलटेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से देखिए इनको पलट रहे हैं, और जितना भी सेसमी यानी कि तिल को हम कोटिंग किए थे तो सारे इनमें है, कुछ कुछ है तो तिल है तो निकल ही जाएंगे थोड़ा सा, पर सारे तिल इनमें अच्छे से कोट है। बस 2 से 3 मिनट इनको हम सेकेंगे, उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो सारे बॉल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम बारी बारी से बॉल को निकाल लेते हैं। सारे घी को इस तरह से संगार लेंगे और देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहे हैं। इस तरह से सारे बॉल को हम निकाल ले रहे हैं और देखिए बहुत अच्छे से बने बॉल, देखिए। और इसी तरह से हम दूसरा बॉल को भी, सेसमी बॉल को फ्राई कर लेंगे। सेसमी बॉल बनकर तैयार हो गए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बने हैं और उनके सौंधी सौंधी खुशबू बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो देखिए अब चलिए उनको प्लेटिंग करके आप लोगों के लिए बीच में लाते हैं हम, चलिए मिलते हैं। सेसमी बॉल बनकर तैयार है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी स्वीट और अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी और सौंधी सौंधी। तो आप भी इस तरह से बनाइए। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको सेसमी बॉल का, तो अगर अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मोबाइल में एक छोटी सी रेड कलर के बटन है फ्रेंड्स, वहां पे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से नई नई वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हम आपके मोबाइल में आ करके बताएंगे आपको एक से एक रेसिपी, नई नई रेसिपी, ताकि आप भी बनाइए, खाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो है ना मजेदार।
फ्रेंड्स एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।